वीके न्यूज़ राष्ट्र के नाम। नमस्कार, मैं अमन राव, आपका स्वागत है वीके न्यूज में। यूपी असेंबली चुनाव में जीत के बाद माफिया और बदमाशों के खिलाफ फिर से बुलडोजर अभियान शुरू हो गया है। चुनाव में बीजेपी की बंपर जीत के बाद अब तक 9 शहरों में बुलडोजर चलाकर अवैध संपत्तियों को तोड़ा जा चुका है। प्रशासन के बुलडोजर अभियान से माफियाओं में खौफ बढ़ गया है। ये जो भी आपने तस्वीर देखी, ये बाबा के बुलडोजरों की है जो लगातार अपराधी और बड़े बड़े माफियाओं पर कहर बरपा रहे हैं। अब आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर बुलडोजर की जरूर है, लेकिन ये बाबा का बुलडोजर नहीं है और ना ये तस्वीर यूपी की है। ये एक्शन हुआ है मध्य प्रदेश में। जी हाँ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यानी बुलडोजर मामा का बुलडोजर छतरपुर में एसपी की जन्मदिन पार्टी के बाद चला। कल छतरपुर एसपी सचिन शर्मा का जन्मदिन था, तो पहले जिले के थाने में उनकी जन्मदिन पार्टी हुई। इसके बाद बुलडोजर मामा का बुलडोजर एक फरार अपराधी के फार्म हाउस पर चला दिया गया। मध्य प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ चल रहा शिवराज मामा का बुलडोजर आज छतरपुर जिले में फरार अपराधी के फार्म हाउस पर चलना था। ये फरार अपराधी अब्दुल समीर का है, जिसके फार्म हाउस पर आलिशान मकान बना था। समीर हिस्ट्री शीटर बदमाश है और अभी उसकी पुलिस को हत्या के प्रयास में एक मामले में तलाश जारी थी, मगर वह फरार चल रहा था। कोतवाली थाना में उसके खिलाफ समीर पर यह अपराध है। अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर चलाए जाने की कार्रवाई में उसके फार्म हाउस पर आज कार्रवाई का फैसला हुआ और पुलिस प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई के लिए टीम सुबह थाने क्षेत्र स्थित अब्दुल समीर के फार्म हाउस पहुंच गई। आपको बता दें, छतरपुर एसपी सचिन शर्मा का कल जन्मदिन था, तो यहां पर थाने में जब वे वहां पर पहुंचे तो उनके जन्मदिन पार्टी की तैयारी थी। बड़ा सा केक मंगाया गया था। थाने के सामने पुलिसकर्मियों ने अपने कप्तान के जन्मदिन का केक काट कर रखा। उसके बाद जन्मदिन की पार्टी की एसपी को गुलदस्ता भेंट किया और उन्होंने केक काट कर अपना जन्मदिन मनाया। इसके बाद पुलिस और प्रशासन की टीम ने अब्दुल समीर के फार्म हाउस पर कार्रवाई की और चंद घंटों में उसके आलिशान मकान को ढा दिया। अब आपकी क्या राय इस पूरी खबर को लेकर, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज़ राष्ट्र के नाम।